हेलो फ्रेंड्स, नरिस्ता चौधरी, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ई स्टडीज पे। आज हम आपके सामने लेके आए हैं बायोलॉजी का सबसे पहला लेक्चर, जो कि है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज बायोलॉजी। सबसे पहले आप ये जान लीजिए बायोलॉजी वर्ड जो है ये कहाँ से लिया गया है। तो ये है ग्रीक वर्ड, और इस वर्ड को सबसे पहले किसने कॉइन किया था, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये वर्ड जो कॉइन किया था, दो साइंटिस्ट थे, पहले लेमार्क और दूसरे ट्रिवायरनस। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायोलॉजी टर्म को कॉइन किया था, और कब कॉइन किया था ये डेट भी इम्पोर्टेंट है। तो 1801 में बायोलॉजी वर्ड को कॉइन किया गया था बाय द साइंटिस्ट लेमार्क एंड द ट्रिवायरनस। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये तो हो गया कि इन्होंने कॉइन किया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि फादर कौन है बायोलॉजी के, जो जनक है बायोलॉजी के वो कौन है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने ही बायोलॉजी वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था। अब आइए, जो फादर कहलाते हैं एरिस्टोटल ही कहलाते हैं। अब हम जानते हैं बायोलॉजी एक्चुअल में है क्या। तो बायोलॉजी जानने से पहले मैं आपको दो वर्ड्स, जो कि बायोलॉजी को ही डिवाइड करके हमने बनाया है, वो है बायोस और दूसरा है लोगस। ठीक है, बायोस का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो इससे क्या बना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना ही बायोलॉजी कहलाता है। तो बेसिकली बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब आगे जान लेते हैं बायोलॉजी के फर्दर कौन कौन सी सेक्शंस हैं, कौन कौन से ब्रांचेस हैं। तो बायोलॉजी के मेन टू ब्रांचेस हैं, पहला है बॉटनी और दूसरा है जूलॉजी। ध्यान रखें, बॉटनी जो है, बॉटनी के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, बॉटनी के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं प्लांट स्पीशीज को। ध्यान रखिएगा, बॉटनी के अंदर हम स्टडी करेंगे प्लांट स्पीशीज को। वहीं पे जूलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, जूलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे एनिमल स्पीशीज को। अब यहाँ से दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं, सिमिलरली जो हमने बायोलॉजी का पढ़ा था कि फादर कौन है, वैसे यहाँ बॉटनी और जूलॉजी से भी सेम क्वेश्चन पुटअप होता है। तो आपको ध्यान रखना है बॉटनी के जो फादर है वो है थियोफेस्टस, और जूलॉजी के जो फादर है वो है एरिस्टोटल। तो ये ध्यान रखना है बायोलॉजी एंड जूलॉजी इन दोनों के ही फादर कौन है, एरिस्टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल के द्वारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है वो लिखी गई है, वो कौन सी बुक है वो आपको बताना है। तो वो बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। ये बुक लिखी गई है इनके द्वारा, एरिस्टोटल के द्वारा। देखिए, ये वाला जो सेक्शन था ये बहुत ही बेसिक है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपके पास बेसिक जो बुक होगा, अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस लगाएंगे, तो इससे दो तीन क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको इंट्रोड्यूस किया है बायोलॉजी से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होल्ड करना होता वॉचिंग के साथ, उतारने क्यों लग गए।